खाना बनाने के जो आपके बर्तन हैं उनके हैंडल्स को आप साइड में रखिए, ताकि सामने अगर वो होंगे आपका हाथ लग सकता है, जिसकी वजह से वो गिर सकते हैं। गरम अगर कोई खाना है तो आप पर गिर सकता है, फर्श पर गिर सकता है, जिसकी वजह से और कोई हादसा हो सकता है। खाना अगर आप सिमरिंग कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, तो हम आपको कहेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको चेक करते रहें, जिसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आप चाहें तो टाइमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि सही समय का आपको एक अनुमान जो है वो लग सके। जब आप खाना बना रहे हों तो छोटे और टाइट स्लीव्स वाले कपड़े पहने, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जो ढीले कपड़े हैं उनमें आग लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। खाना अगर आपने बना लिया है और आप किचन छोड़कर जा रहे हैं, तो किचन से निकलने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके जो कुकटॉप के बर्नर्स हैं, जो नॉब्स हैं, उनको आप चेक कर लें कि वो पूरी तरह से बंद है। और ख़ास तौर से रात को सोने से पहले तो गैस का जो मेन नॉब है और जो बाकी सारे नॉब्स हैं उनको भी आप चेक कीजिए ज़रूर से कि वो बंद है या नहीं है। अब बात करते हैं किचन सेफ्टी की। आपका जो कुकटॉप है, जो स्टोव है या जो बर्नर है, उसको आप साफ़ करें, उस पर कोई खाना ना गिरने दें, क्योंकि अक्सर जो रखा हुआ खाना होता है या जो गिरा हुआ खाना होता है वो भी आग लगने का एक कारण बन सकता है। घर में अगर एग्जॉस्ट है, घर में अगर चिमनी है, तो नियमित रूप से उसकी आप सफाई करवाएं और एक एक्सपर्ट जो है उनको बुलाएं, ताकि नियमित रूप से महीने में कम से कम एक बार आप उसकी अच्छी तरीके से सफाई करें। अगर कोई ख़राबी है तो उसको ठीक करें, अगर रिपेयर करना है या नया लगवाना है तो उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। साथ ही साथ अक्सर हम किचन में किसी तरह के तौलिए का या कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गैस के पास या जो बर्नर है उनके पास इस तरह के किसी भी कपड़े को ना रहने दें, क्योंकि इस तरह के कपड़े अगर आप बर्नर के पास रखेंगे तो आग लगने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा आप जब उपयोग नहीं कर रहे हो तो आपका जो माइक्रोवेव है या कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, जैसे कि टोस्टर है, उसको आप ढककर रखें और बंद रखें, जो स्विच है उसका वो निकाल कर रखें। काउंटर टॉप पे भी अक्सर बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या जो हमारे अप्लायंसेस हैं वो हम रखते हैं। आप सुनिश्चित कीजिए कि उनकी जो लिड है वो बाकायदा लगी हुई है, ताकि किसी भी तरह का फायर लगने का खतरा ना हो। खुदा ना खास्ता अगर आग लग गई है, तो सबसे पहले जो आपका स्टोव है, जो आपका बर्नर है, उसको आप बंद कीजिए और उसके बाद बेकिंग सोडा डालकर जो आग है उसको आप ज़रूर बुझाइए। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ्टी फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखिए, बिजली हम सब के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के होने से हमारी ज़िंदगी में कितनी राहत आती है और कितना फ़ायदा होता है। लेकिन ये भी एक सच बात है कि बिजली के कारण भी कई बार गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, और आग लगना, घर में आग लगने का दूसरा बड़ा कारण है यही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। तो ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह की सावधानी आप अपने इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या जो घर में बिजली का काम है उनके प्रति बरत सकते हैं, ताकि घर में आग से बचा जा सके। तो कुछ बातें जिनका ध्यान देना ज़रूरी है वो आपके साथ हम अब डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, घर में आप बिजली का जब आप काम करवा रहे हैं या कोई भी रिपेयर करवा रहे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से कराइए जो जानकार हो और जो सही जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका घर 30 या 40 साल पुराना है, या फिर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से घर जो है वो ख़रीदा है, कोई पहले से उसमें रह रहा था, अब आप उसमें रहने के लिए आए हैं, या फिर अगर आपने हाल फिलहाल में अपने घर में बहुत बड़ा रिपेयर का काम करवाया है, या पिछले 10 सालों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या उपकरण आपने ख़रीदे हैं, तो सही निरीक्षण, सही जाँच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन है वो काफ़ी पुराना हो गया है, कई साल उसे हो गए हैं, तो ऐसे में ख़तरा ज़्यादा बना रहता है। तो हम आपको यही एक राय देंगे, मशवरा देंगे कि आप नियमित रूप से समय समय पर अपने बिजली के कनेक्शन की जांच सही तरीके से करवाएं, और वो भी एक प्रोफेशनल से करवाएं। फ्यूज़ अगर कोई बदलना है घर में कहीं, तो जो भी इलेक्ट्रिशियन आपने बुलाया है, ज़रा आप भी ध्यान रहिए, सतर्क रहिए कि सही एम्परेज का लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, जहाँ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है वहाँ पर ही हम कनेक्शंस लगा देते हैं। तो ये ज़रा ध्यान दीजिए, जहाँ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है आपके किचन में, आपके बाथरूम में, वहाँ पर जो आपके कनेक्शंस हैं उनको आप लगाने से बचें, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, उसकी वजह से किसी तरह का आग लगने का खतरा ना हो।
अक्सर हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जो होम अप्लायंसेस होते हैं, उनकी जो तारे होती हैं, उनकी जो कॉर्ड्स होती हैं, वो कटने लगती हैं और ज़्यादा इस्तेमाल के बाद वो कमज़ोर होने लगती हैं। कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कई बार लोग उसमें टेप वगैरह लगा देते हैं, जो मेरी राय में काफ़ी ख़तरनाक है। ख़ासतौर पर एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर अगर आप अकेले रह रहे हैं और आपके घर में ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी आप जाँच पड़ताल कीजिए, तार सही है या नहीं है। अगर कहीं से भी कटी है तो हम आपको ये कहेंगे कि उसकी आप रिपेयर करवाइए, मरम्मत करवाइए, और अगर आपके इलेक्ट्रिशियन कहते हैं कि उनको बदलने की ज़रूरत है तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप उनको ज़रूर बदलिए। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।